Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anushka and those of you who are new on my channel, welcome to my channel. Guys, आज का जो वीडियो है वो एक हॉल के बारे में है. रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ विंटर शॉपिंग करी थी तो उसी का जो रिव्यू है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. गाइज, फ्लिपकार्ट की जो चीज़ें हैं वो मुझे कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हुई थी एंड मुझे फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग काफ़ी पसंद है बिकॉज इसमें जो आपकी चीज़ें रहती हैं वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहती हैं. तो आज का जो मेरा पहला परचेज है उसका जो पिक्चर है वो मैं यहाँ कहीं पे इंसर्ट कर दूंगी. आपको हर क्लिप के बाद इसका ट्राई ऑन मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर आपको इनमें से कुछ भी परचेज करना है तो आपको अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल अवेलेबल होगा. तो चलिए अब हम इसे देखते हैं. तो गाइज, जो पहला परचेज है वो है ये टाइगर प्रिंट का जैकेट. एंड मुझे ये जैकेट देखते से ही बहुत पसंद आया था एंड मुझे इसकी प्राइस भी काफ़ी कम लगी थी बिकॉज अगर सेम स्वेटर जैकेट अगर मैं शीन पे देखूँ तो ये मुझे 1100-1200 का मिलेगा, बट फ्लिपकार्ट पे ये मुझे 500 और 600 रुपीज़ का पड़ा. इसका जो प्राइस है वो यहाँ कहीं पे आपको मिल जाएगा. तो काफ़ी अच्छा है एंड द क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. मुझे इसका ये पैटर्न, टाइगर पैटर्न काफ़ी पसंद आया. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको इस टाइप की यू नो चेन मिलती है जो आपको जनरली शीन के स्वेटर्स में या जैकेट्स में देखने को मिलती है. अंदर से भी जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है. ऐसा नहीं कि अंदर से क्वालिटी बेकार हो, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. एंड यहाँ से इसमें बलून्स पैटर्न है सेम वैसा ही जैसा शीन के जैकेट्स में रहता है. एंड नीचे से भी इसकी लेंथ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप देख सकते हो. तो ओवरऑल इट्स अ गुड परचेज एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ बहुत प्यारा है एंड इट इज़ अंडर ₹600, तो आई थिंक इट इज़ नॉट बैड. तो अगर आपको ये ख़रीदना है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे ख़रीद सकते हो. यू कैन सी एंड आप अपना साइज चेक कर लीजिएगा बिकॉज मेरे लिए ये डबल एक्सल है. मुझे जनरली डबल एक्सल आता है बिकॉज आई एम अ बिट फैट, तो मुझे डबल एक्सल साइज़ आता है. एंड इसकी जो कंपनी है वो है ऑस्टिन वुड कंपनी का ये है एंड इसकी जो ओरिजिनल MRP लिखी है वो 2100 इस पर लिखी हुई है. यू कैन हैव अ लुक, आप यहाँ पे देख सकते हो. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस परचेज एंड इसका जो ट्राई ऑन है वो इस क्लिप के बाद आपको मिल जाएगा. जो सेकंड परचेज है उसका पिक्चर आपको इधर या इधर कहीं पे भी मिल जाएगा. यू कैन हैव अ लुक एंड ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट परचेज. द थिंग इज दैट कि इसकी जो लेंथ है वो मुझे थोड़ी कम लगी. ये क्रॉप पैटर्न में है शायद, तो बाकी ओवरऑल ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. आप इसको देख सकते हो. इसकी जो स्लीव्स हैं वो बलून पैटर्न की है, आप देख सकते हो. पिक्चर में भी आपको क्लियरली दिख जाएगा एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड पर्सनली मुझे पॉलका डॉट्स बहुत पसंद है. तो ओवरऑल इट्स अ नाइस परचेज, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है. ऑल दो ये विंटर में ज़्यादा ठंड नहीं रोक पाएगा, टू बी स्ट्रेट बिल्कुल भी ये इतनी अच्छी ठंड नहीं रोक पाएगा, बट अगर आप इसे ऐसे ही पहनते हैं तो इट्स वेरी नाइस. आप देख लो इसकी लेंथ बस काफ़ी कम है, बाकी ओवरऑल ये पहनने पे काफ़ी क्लासी एंड काफ़ी अच्छा लुक देता है. अगर आप इसे पेंसिल स्कर्ट या यू नो जेगिंग्स के साथ पेयर अप करो हील्स के साथ तो ये काफ़ी क्लासी लुक देगा. एंड मेरा जो साइज़ है वो है डबल एक्सेल, इसमें भी मुझे डबल एक्सेल ही आया है. तो आप देख सकते हो, अगर आप मेरे जैसे हो तो यू कैन ऑल्सो बाय डबल एक्सेल साइज एंड अगर आपका आप थोड़े दुबले पतले हो तो आप अपना साइज चार्ट में अपनी साइज़ देख के उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्डर करिएगा बिकॉज अदरवाइज इसमें बहुत इश्यूज आएंगे आपको साइज़ के. तो चलिए अब हम इसका ट्राई ऑन देखते हैं. Thank you.
गाइज मेरा जो नेक्स्ट परचेज है उसका पिक्चर आपको अगेन मिल जाएगा, लेकिन टू बी स्ट्रेट ये परचेज मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस वन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो कलर मंगवाया था वो कलर मुझे रिसीव नहीं हुआ। मैंने इसमें रेड कलर मंगवाया था, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, लेकिन मुझे रिसीव पर्पल कलर हुआ है। एंड अगेन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हल्की है। आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा हल्की क्वालिटी का है, आई कांट इवन टेल यू इतनी हल्की क्वालिटी है इसकी। एंड पहनने पे भी ये कोई इतना अच्छा लुक नहीं दे रहा है, बिकॉज अगर मुझे आपको इसकी क्वालिटी बतानी हो तो आप देख सकते हो, आपको मेरा फेस इसमें क्लियरली दिख रहा होगा, तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी ये बाय करने के लिए। ऑल्दो ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव एंड काफ़ी क्लासी लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड यू नो मे बी आपको वीडियो में जो पिक्चर है वो, मतलब वीडियो में आपको ये अलग कलर दिख रहा होगा, बट देखने में ये बिल्कुल पर्पल कलर है। एंड ये बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लगा। एंड इसमें बहुत ही लो क्वालिटी का इलास्टिक भी डला हुआ है, आप देख सकते हो नीचे भी इसमें काफ़ी लो क्वालिटी का यू नो इलास्टिक है। तो बिल्कुल भी ये मेरा अच्छा परचेज नहीं है, एंड इसे तो मैं डेफिनेटली रिटर्न करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट को। तो आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस वन। स्टिल मैं इसका जो ट्राई ऑन है वो आपको दिखा देती हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू बाई इट इन एनी केस। आज का जो मेरा लास्ट परचेज है वो है एक स्वेटशर्ट, एंड टू बी स्ट्रेट है मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा, यू कैन वियर इट, मतलब अच्छा है अकॉर्डिंग टू प्राइस। ये मुझे ₹350 का पड़ा है, एंड इट इज़ लाइक दिस। द कलर इज़ रियली वेरी नाइस कलर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। एंड इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी हल्की क्वालिटी है लेकिन अच्छी क्वालिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है। एंड ये इसकी जो लेंथ है वो इतनी है, तो ये पहनने पे भी काफ़ी अच्छा लुक देता है। एंड इसकी जो साइज़ है वो है अगेन डबल एक्सेल, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अपनी साइज़ चेक कर लीजिएगा। एंड इसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो इसकी स्लीव्स है वो बिल्कुल नॉर्मल स्लीव्स है, कोई ऐसी फैंसी स्लीव्स नहीं है। एंड द क्वालिटी इज़ रियली वेरी नाइस, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मटेरियल काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल चुभने वाला मटेरियल नहीं है। तो ओवरऑल दिस वन इज़ अ गुड परचेज, एंड मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। ऑल्दो इसमें इतनी ठंड नहीं रुक पाएगी, बट स्टिल इट इज़ अ गुड परचेज। सो इफ़ एनी केस यू वॉन्ट टू बाई दिस, इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, पर्सनली मुझे ये कलर काफ़ी पसंद है, तो मैंने अपने लिए ये कलर ऑर्डर किया है। एंड अगर आपको कोई और कलर लेना हो तो यू कैन। तो या दिस वॉज माई लास्ट परचेज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको इस हॉल में से कोई भी चीज़ लेनी हो तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको लिंक मिल जाएगी, यू कैन बाई इट फ्रॉम देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।